Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे. पीनट चिक्की की रेसिपी शेयर करूँ और बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही क्रंची, बिल्कुल टॉफ़ी की तरह. और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए आप इसको घर पे बना सकते हैं. रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने डिश को या प्लेट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपने पहले से प्रिपेयर कर लेना है. मैंने यहाँ पे लिए स्टील की डिश, उसकी बैक साइड पे एक खाने का चम्मच तेल लेके इस तरह से ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फैला दें. आप कोशिश कीजिए कि आप स्टील की प्लेट या डिश ही इस्तेमाल करें, और चाहें तो आप वुडन कटिंग बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसका एक रीज़न है, अगर आप वुडन कटिंग बोर्ड पर इसको सेट करेंगे तो चिक्की जल्दी सेट हो जाएगी और मे बी आप इजीली वर्क ना कर सकें. तो इसलिए स्टील की डिश ही बेहतर है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है. इसके अलावा जो बेलन होता है, रोटी बेलने वाला, उस पर भी तेल लगाकर और जो छुरी जिससे आप कट करेंगे उसको भी रेडी करके रख लें. इसके बाद मूंगफली को रोस्ट करना है, विच इज़ वेरी सिंपल. उसके लिए आपने क्या करना होगा, सिंपल एक पैन ले लीजिए. मैंने यहाँ पे लिया है नॉनस्टिक पैन, और इसी पैन को बाद में मैं शुगर को कैरमलाइज करने के लिए भी यूज़ करूँगी. तो यहाँ पे मैंने ली है एक कप मूंगफली, और ग्राम में है ये 100 ग्राम, और मैंने ब्लांच्ड इस्तेमाल की है. और अब मैं इसको रोस्ट करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए. 3 से 4 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये रोस्ट हो चुकी है. अगर आपके पास ब्लांच्ड यानी कि छिलका उतरी हुई मूंगफली नहीं, तो आप छिलके के साथ मूंगफली लीजिए, उसी को ही 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करें, और फिर उसके बाद उसका छिलका उतार के इस्तेमाल कर लें. दरमियानी आंच पर 3 से 4 मिनट मैंने इसको रोस्ट किया, और इसके बाद इसको प्लेट में निकाल लें. और ये क्लोज़अप में आप इसका कलर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा रोस्ट कर दिया तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और फिर चिक्की का भी फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा. अब सेम पैन में ही एक कप चीनी ऐड कर दें, या फिर ग्राम में 200 ग्राम, और हीट को आपने रखना है लो टू मीडियम. बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए आँच. और इस तरह से चीनी को फैला दें और चीनी के मेल्ट होने का वेट करें, यानी जस्ट जब चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो उतना आपने वेट करना है. कुछ ही देर में 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है उसकी जो फर्स्ट लेयर है जो पैन से लगी हुई है वो इस तरह से पिघलना शुरू हो जाएगी. और बस अब आपने चूल्हे के पास से हटना नहीं. और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है. वीडियो में ऑफ कोर्स मैंने इसको थोड़ा फास्ट दिखाया, बट फिर भी मैंने इतना कट नहीं किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ सके. 5-6 मिनट के बाद सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि चीनी मेल्ट भी हो रही है और साथ साथ में कुछ इसके टुकड़े भी बनते जा रहे हैं. लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इवेंचुअली पूरी चीनी मेल्ट हो जाएगी. और ये अब 8 से 9 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चीनी थोड़ी और मेल्ट हो चुकी है, बट अभी भी इसमें कुछ पीसेस बाकी हैं, वो भी कुछ ही देर में मेल्ट हो जाएंगे. बस थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसी तरह से चम्मच या स्पैचुला को चलाते रहना है जब तक कि पूरी चीनी मेल्ट ना हो जाए. और आपने इसको उबालना नहीं, बस जैसे ही आप देखें कि चीनी कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है वही टाइम होगा कि आपने पीनट्स को ऐड कर देना है. तो अब यहाँ पे चीनी कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है, कैरमलाइज हो चुकी है, और इसमें राइट अवे ऐड कर दें जो रोस्ट की थी मूंगफली, उसको आपने ऐड कर देना है. और चूल्हे को यहाँ पे आपने बिल्कुल लो कर देना है, बंद नहीं करना. अगर आप बंद कर देंगे तो ये फिर चिक्की जो है वो पैन में ही सेट होना शुरू हो जाएगी. बस पीनट्स डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसके बाद ट्रे पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें. ये ट्रे मैंने पहले से ही ग्रीस करके रख ली थी, इसीलिए क्योंकि अगर आप बाद में ग्रीस करेंगे तो उतनी देर में तो चिक्की सेट ही हो जाएगी. तो ये स्टेप आपने पहले ही करके रखना है. तो चिक्की का मिक्सचर ट्रे के ऊपर डालने के बाद अब आपने क्विक एक्शन करना होगा. तो सबसे पहले स्पैचुला या जो भी आपने स्पून यूज़ किया मिक्सिंग के लिए, उसी से ही इसको थोड़ा सा आप फैला दीजिए, थोड़ा सेट कर लें,
ताकि आपको रोलिंग पिन से इसको फ्लैट करने में आसानी हो जाए और 30 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सेट होने दें। इसके बाद एक बेलन लेकर जिस पर कि आपने तेल लगाना है, और ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो चिक्की का जो मिक्सचर है वो बेलन के साथ चिपक जाएगा, और सिंपल इसको रोल कर लीजिए और फ्लैट कर लीजिए ताकि आप इसके बाद इसको पीसेस में कट कर सकें। और ये सब स्टेप्स आपने तेज़ी से करने हैं, और इसके बाद छुरी पर भी ऑयल लगाकर आप इसको जिस भी शेप में कट करना चाहते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल्स, आप पीसेस में कट कर लीजिए। अब 10 से 15 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, और फिर उसके बाद आप छुरी की मदद से ही पीसेस को निकाल लीजिए। और ये देखिए आपके सामने है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स, एक चीनी और मूंगफली, इन 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त होममेड पीनट चिक्की आपके सामने तैयार है। और आई विश कि मैं बनाती और आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकती। सीरियसली बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रंची और मार्केट से ज़्यादा अच्छी ये चिक्की घर पे बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, मैं वेट करूँगी। आज आप लोगों के लिए ग्रेनोला बार्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही न्यूट्रिशियस है, आप इसको लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, और चाहें तो घर पे इस रेसिपी को आप अपने बच्चों के साथ ट्राई कीजिए। ग्रेनोला बार्स बनाने के लिए सबसे पहले आप लेंगे एक 8 इंच का चकोर पैन, उसको पार्चमेंट पेपर से इस तरह से कवर कर लें, और फिर इसके बाद एक बोल लेके उसमें डालें 2 कप क्विक ओट्स, आधा कप आपको चाहिए होंगे पफ्ड राइस, आधा कप मिल्क चॉकलेट चिप्स, और अगर आपके पास ये नहीं तो आप चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 4 खाने के चम्मच श्रेडेड खोपरा यानी कि कोकोनट। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और ये ड्राई मिक्सचर तैयार है, इसको एक साइड पे रख दें। ये इतनी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है कि इसमें मुझे किरत ने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगी, तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप बच्चों को ऐसी इजी रेसिपीज़ में इन्वॉल्व किया करें, इसी बीच वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लर्न करते हैं जो उनके आगे जाके काम आती हैं। अब इसका लिक्विड तैयार करने के लिए एक पैन लेके सबसे पहले उसमें डालें 4 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर, 1/4 चाय का चम्मच नमक, 4 खाने के चम्मच मक्खन, अगर मक्खन नहीं है तो फिर आप तेल इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जाएगा 4 खाने के चम्मच शहद। मैंने इस रेसिपी में चॉकलेट चिप्स और कोकोनट का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करें और इतना पकाएं कि एक बॉयल आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर बॉयल हो रहा है। अब इसमें आधा चाय का चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करके इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएं, और फिर चूल्हा बंद करके इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लें। जब लिक्विड मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आपने इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करना है, और ठंडा करने का रीज़न यही है कि अगर आप गरम गरम डालेंगे तो जो चॉकलेट है वो फ़ौरन पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि जो ये लिक्विड है, क्योंकि ये बाइंडिंग का काम देगा, वो पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और अगर आप मीठा कम खाते हैं तो फिर आप कम चीनी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 4 टेबलस्पून की जगह आप 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये रेशोज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी आप चेंज कर सकते हैं। ग्रेनोला बार्स का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब इस मिक्सचर को जो पैन तैयार करके रखा हुआ है उसमें आपने पूरा डाल देना है। मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने इसको अंदाजे से ही बराबर इसको फैलाना है ताकि बार्स एक जैसे बन सकें। और इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप बार्स बनाने के लिए वो ये कि आपने स्पैचुला से, या फिर आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्लास की बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं, आपने इसको अच्छी तरह से दबाना है हर तरफ से। आखिर में मैंने थोड़े से और चॉकलेट चिप्स ऐड किए हैं, और फिर दोबारा से थोड़ा सा प्रेस करके इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें।
10 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था और ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रेनोला बार का मिक्सचर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसके बाद आप इसको लिफ्ट करके पैन से निकाल लें और ये देखें कि पार्चमेंट पेपर लगाने की वजह से कितनी आसानी हो गई। और ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये मिक्सचर पैन से ही चिपकेगा और टूट जाएगा। तो इसके बाद एक शार्प नाइफ लेके आप इसको बार्स की शक्ल में काट लें, जिस तरह से मैंने काटा, या फिर आप चाहें तो स्क्वायर्स में काट लें, ट्रायंगल भी काट सकते हैं, जो शेप आपको पसंद है उसमें आप इसको कट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज एक और नई रेसिपी जिसका नाम है हॉट चॉकलेट। उमूमन सर्दियों में जिस तरह लोग चाय और कॉफ़ी बहुत शौक से पीते हैं, इसी तरह से हॉट चॉकलेट भी होती है और ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। चाय और कॉफ़ी से बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत इजी रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी है। बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो लिख लीजिए। हॉट चॉकलेट बनाने के लिए आप लेंगे एक कप दूध, उसे चूल्हे पे या माइक्रोवेव में गरम कर लें। एक टेबलस्पून आपको चाहिए होगा कोको पाउडर, दो टेबलस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी, दो टेबलस्पून पानी या दूध भी ले सकते हैं, एक चुटकी नमक और थोड़े से मार्शमेलो। आप एक मग लेके सबसे पहले उसमें ऐड करें कोको पाउडर, चीनी, नमक, ये ऑप्शनल है, चाहे तो नहीं डालें। साथ में ही ऐड करें पानी या फिर दूध भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको एक चम्मच लेके अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इतना कि चीनी हल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ मिक्सचर तैयार हुआ है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटा है, मिक्स किया है। इसके बाद गर्म दूध इसमें ऐड कर दें। इसके बाद इसको मिक्स करें और चाहें तो जिसमें खाना गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन, आप इसमें इसको दोबारा भी गर्म कर सकते हैं। थोड़े से मार्शमेलो ऐड कर दें अगर आप चाहें तो। तो सर्दियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और इसका नाम है मिनी टी केक्स, जो कि सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं बग़ैर ओवन के और बग़ैर बटर के, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़े के। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने के लिए सबसे पहले ले लें एक कप मैदा, आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून के जितनी जाएगी चीनी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 से 3 चुटकी नमक या फिर 1/8 टीस्पून, और फिर इन तमाम चीज़ों को छानकर एक साइड पर रखते हैं। इसके बाद एक बड़ा बोल लेकर उसमें शामिल करें 1/4 कप के जितना तेल, आप चाहें तो 1/4 कप बटर भी यूज़ कर सकते हैं अनसॉल्टेड, और फिर इसमें शामिल कर दें 1 अंडा और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, और फिर इसको फेंटें अच्छी तरह से ताकि ये एग मिक्सचर थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। तकरीबन 1 मिनट कुछ इस तरह से ये एग मिक्सचर आपको नज़र आएगा। और फिर इसके बाद इसमें 1/4 कप दूध शामिल करें और फिर इसको भी मिक्स कर लें। आखिर में जो मैदे का मिक्सचर तैयार किया था वो 2 हिस्सों में शामिल करें और साथ साथ में इसको मिक्स कर लें। मेक श्योर कि इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूद हो जाए। तो देखा आपने कितनी कम चीज़ों के साथ ये जो टी केक का बैटर है ये तैयार हो चुका है। जस्ट एक ही बोल में तमाम चीज़ें ऐड हुई हैं और ये तैयार हो चुका है। तो इससे आप चाहें तो फुल टी केक भी तैयार कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं 2 मिनट टी केक्स तैयार करूँगी। अब यहाँ पे लिया है सैंडविच मेकर, अभी मैंने इसको प्लग इन नहीं किया। ब्रश की मदद से ऑयल लगा लें और चाहे तो आप बटर भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर 1 टेबलस्पून केक का मिक्सचर लेके इस तरह से चारों सेक्शन में डाल दें और फिर उसको इस तरह से थोड़ा फैला दें ताकि जो है वो परफेक्ट ट्रायंगल शेप आ जाए। इसका ढक्कन बंद करें और 1 मिनट के लिए बेक करें। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि धुआं जो है वो यहाँ पर उठ रहा है। ये भी एक पहचान है, जब इस तरह से धुआं निकलने लगे सैंडविच मेकर में से तो आपने फौरन इसका ढक्कन जो है वो खोल देना है और चेक कर लेना है। अब यहाँ पर टी केक्स एक साइड से बिल्कुल
बेक हो चुके हैं, अब बस मैं साइड को चेंज कर रही हूँ। दोबारा से इसका लिड जो है वो मैं बंद कर दूंगी और दूसरी साइड पर भी एक मिनट मैं इसको बेक करूंगी। अब यहाँ पर एक मिनट हो चुका है और दूसरी साइड से भी टी केक्स जो है वो बेक हो चुके हैं और बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। बस अब क्या इसके साथ आप अच्छी सी चाय बनाएं, बहुत ही लाइट और बहुत मज़ेदार। अंदर से भी आप लोग टेक्सचर देख लीजिए, ये बहुत सॉफ्ट है।